नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है आरएफआई। आरएफआई का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ये आरएफआई जनरली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। मेनली जब कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रेडी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कंसल्टेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए बुलाते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी रेडी हुई है, आप आके इसको चेक करो। तो कॉन्ट्रैक्टर उसको एक प्री रिक्विजिशन देता है कि हमारे फलाना फलाना एक्टिविटी रेडी हुई है, आप आके इसको चेक करो। तो कंसल्टेंट आकर के उसको चेक करके बाद में उसको अप्रूव या डिसअप्रूव या फिर कुछ रिमार्क्स लिख के चला जाता है। तो ये हर एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। इसी बेस पे ही आजकल वो बिलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आरएफआई अप्रूव होगा, आरएफआई पे क्वांटिटी मेजर किया हुआ दिखा रहेगा, उस पर दोनों का साइन रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का कंसल्टेंट का, तो उसको बिलिंग में कंसिडर किया जाता है। अब हम देखेंगे आरएफआई क्या होता है, उसका डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए प्रोजेक्ट का एक आरएफआई है, आपके रेफरेंस के लिए जस्ट मैंने इधर दिखाने के लिए लाया है। इसमें आप देखिए सबसे पहले इधर क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है, ये एक हाईवे प्रोजेक्ट का है, इसलिए इधर उन्होंने प्रोजेक्ट का नाम दिया वाइडनिंग ऑफ टू और फोर लेन पेवर शोल्डर्स NH 150 सेक्शन एट द एंड ऑफ बाईपास 79.65। ऐसा ये प्रोजेक्ट का डिटेल नाम रहेगा। इधर रहेगा कॉन्ट्रैक्टर, जो भी मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का मेन कंपनी का नाम, उसका लोगो इधर रहता है। बाद में इधर क्लाइंट इधर PWD का काम है, PWD गवर्नमेंट ऑफ कौन सा स्टेट है उसके हिसाब से, और वो NH का विंग है, इसलिए क्लाइंट का ये हो गया। इधर है अथॉरिटी इंजीनियर, अथॉरिटी इंजीनियर को हम लोग कभी कभी इंडिपेंडेंट इंजीनियर या कंसल्टेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, जो भी ये प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया रहता है। बाद में EPC कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहेगा, इधर CM बोलते हैं। अभी इसमें RFI नंबर है, मान लीजिए RFI नंबर है, हमने पकड़ लिया 37 प्रोजेक्ट का है। साइड अभी पकड़ेंगे हम LHS और RHS ऐसे भी पकड़ सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई टाउन साइड रहेगा, जैसे कोई दो सिटीज़ है तो जैसे मुंबई और पुणे है तो मुंबई साइड और पुणे साइड, ऐसे इस हिसाब से हम साइड भी पकड़ सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद चेनेज अभी इधर उन्होंने मेंशन किया है, वो उस चेनेज में से कौन सा काम है, इधर देखिए 79.65 एंड ऑफ 79.65 एग्जिस्टिंग 85.880 टू 118.470, तो इसमें हमने चेनेज का नाम लिखना है, जो भी मान लीजिए 79.650 चेनेज। इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर और चेनेज, अभी वो पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर का हमको चेनेज लिखना है। अगर कोई RCC स्ट्रक्चर है तो RCC स्ट्रक्चर का सेंटर लाइन का, मान लीजिए RCC स्ट्रक्चर है, RCC स्ट्रक्चर का सेंटर लाइन का चेंजेज लिखना है। और अगर कोई एम्बैगमेंट या फिर रोड वर्क है तो रोड वर्क का आपका किधर से किधर तक, फ्रॉम टू, वो पर्टिकुलर लेंथ का चेंजेज लिखना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में मेन जो वर्क हम लोगों को चेक कराना होता है क्लाइंट से या सॉरी कंसल्टेंट से, तो वो कंसल्टेंट से जो भी वर्क चेक कराना है, जैसे मान लीजिए एम्बैंकमेंट हो गया, GSB हो गया, WMM हो गया, ये मान लीजिए रोड में हो गया, या फिर कोई RCC स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें किसी भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन रह गया, फाउंडेशन बाद में, उसके बाद अगर वॉल वगैरह रह गया था तो फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट, ऐसे अलग अलग टाइप का डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा वो सब डिटेल में लिखना है। और इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते समय पर्टिकुलर कहाँ से कहाँ तक चेंज है, उसका सेंटर लाइन क्या है, वो सब लिखना है। इसके बाद इधर है सेफ्टी प्रिकॉशन टेकन, यस और नो, उधर साइड पे जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो दिया हुआ है नहीं है, वो सब चेक कराने का, उसके हिसाब से ये भरने का। उसके बाद है वेदर प्रीवियस लेयर अप्रूव्ड और नॉट, मतलब अगर ये रोड का काम रहेगा जैसे एम्बैंकमेंट GSB WMM, तो उसका अगर प्रीवियस लेयर जो भी रहेगा वो कंसल्टेंट ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है,
वो भी हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है, और उसका RFI मान लीजिए, उसका RFI मान लीजिए 32 है, तो वो अप्रूव किया होगा तो उसका RFI नंबर हमको 32 इधर लिखना है। उसके बाद रिक्वेस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो इसमें जो भी जिसने भी भेजा है वो साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर जो भी रहेगा उनका नेम, फिर उसका डेट, सब डेट ऑफ सबमिशन जो भी डेट को उसने RFI डाला वो, और टाइम ये मेंशन करना है। इसके बाद उसका सिग्नेचर है और डेट ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे अभी मान लीजिए डेट ऑफ सबमिशन जैसे मान लीजिए अभी 31 अक्टूबर है 2020, और डेट ऑफ इंस्पेक्शन मान लीजिए अपने को 1 तारीख को करना है, तो ऐसे हम लोगों को 1 दिन पहले एटलीस्ट RFI देना होता है। कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले 24 आवर्स मिनिमम RFI पहले देना होता है। तो उस हिसाब से 31/10 को हमने RFI दिया, इंस्पेक्शन हमारा है 1 नवंबर 2020 को। तो ये RFI कब दिया हमने, मान लीजिए सुबह 10 बजे दिया, और ये एक्टिविटी हमारी कब शुरू होने वाली है, 1 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होने वाली है। तो इसके साथ इनक्लोजर, अगर रोड वर्क है, मान लीजिए रोड वर्क है, तो उसके साथ कुछ हम लोगों ने लेवल्स लिया रहता है, ग्राउंड लेवल्स, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल्स या फिलिंग लेवल्स, पूरा लेवल्स का शीट हम लोगों को उधर देना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर का ड्राइंग ड्राइंग है, उसका डायमेंशन डिटेल्स, उसके साथ ही उसका एक हम लोगों को पर्टिकुलर कोई लिफ्ट भरनी है तो उसका स्केच, पर्टिकुलर कोई लिफ्ट भरनी है तो उसका पूरा स्केच देना पड़ता है। तो ये सब हम लोगों को एनक्लोजर में देना पड़ता है। तो उसके साथ अभी ये सब हम लोगों कॉन्ट्रैक्टर ने मान लीजिए सबमिट कर दिया, तो ये सब सबमिट करने के बाद EPC कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कमेंट लिखता है कि ये एक्टिविटी हमारी रेडी है, और ये अभी हमने क्लाइंट को बुलाया है, सॉरी कंसल्टेंट को बुलाया है, तो वो आके चेक करेंगे और अपना जो भी पेमेंट है जो भी है वो बताएंगे। फिर अदॉरिटी इंजीनियर उधर साइट पे जाके मान लीजिए 1 तारीख, 31 तारीख को RFI डाला, 1 तारीख को उन्होंने बोला, तो 1 तारीख को वो उधर जाते हैं। जाने के बाद वो ये एक्टिविटी जो भी है उसका पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये इंस्पेक्शन करने के बाद वो एक्टिविटी पूरी तरह से ओके है, रेडी है, और अदॉरिटी इंजीनियर उससे सेटिस्फाइड है, उसके पूरे वर्क डन से जो भी है, तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं, और बाद में अप्रूव करके रिमार्क मार के चले रिमार्क दे के चले जाते हैं। और अगर उसमें कुछ पॉइंट्स निकले, कुछ रेक्टिफिकेशन निकला, तो वो उसमें कुछ रिमार्क्स लिखते हैं और नॉट अप्रूव करके चले जाते हैं। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट डे क्या होता है, ये रिमार्क्स इधर लिख जाते हैं, अगर नॉट अप्रूव्ड है तो सब कुछ ना कुछ बैलेंस है करके वो इधर लिख देते हैं और रेक्टिफाई बोलते हैं, और रेक्टिफाई करके फिर बुलाने के लिए बोलते हैं। तो अगर ऐसा रहा तो नेक्स्ट डे फिर कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर उनको RFI डाल देता है, और फिर उनको वो रेक्टिफिकेशन करने के बाद वो एक्टिविटी चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए बुलाता है। तो नेक्स्ट डे फिर वो आके चेक करते हैं, और उसमें कुछ जो भी रेक्टिफिकेशन बताया, जो भी पॉइंट्स बताया था, वो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने रिप्रेजेंटेटिव ने अगर करेक्ट किया है तो वो चेक करके उसको अप्रूव करते हैं, और वो अप्रूव होने के बाद RFI क्लोज हो जाता है। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये RFI क्लोज होने के बाद ये हायर अथॉरिटी टीम लीडर या उनके पास चला जाता है, फिर क्लाइंट NHAI वगैरह PWD उनके पास चला जाता है। तो बेसिक क्या है, कोई भी एक्टिविटी शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को, कंसल्टेंट को, कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर, कंसल्टेंट के इंजीनियर को इन्फॉर्म करता है, उनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाता है। आने के बाद वो उनको डिटेल सब एक्टिविटी जो भी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क जो भी है उनको बताता है, साइड का सेफ्टी प्रिकॉशन सब ठीक कर रखता है। उसके बाद उसका प्रीवियस लेवल जो भी अप्रूव है नहीं है उसका भी डिटेल्स बता, डॉक्यूमेंट बताता है, RFI नंबर बताता है, और ये होने के बाद क्लाइंट कंसल्टेंट इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्शन होने के बाद कंसल्टेंट उसको अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करके कुछ रिमार्क करता है, और अगर डिसअप्रूव किया तो जो भी रेक्टिफिकेशन है वो दोबारा आके चेक करके फिर उसको अप्रूव करके RFI क्लोज होता है। अरे ये अभी ये जो RFI है,
ये RFI क्लोज होने के बाद में जो बिलिंग के लिए इसका कंसिडर किया जाता है, इसमें पूरा मेंशन के बाद चेंज है, डायमेंशन रहता है, मेजरमेंट रहता है, बिलिंग में इसको कंसिडर किया जाता है। इस तरह से RFI आजकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक RFI। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि RFI कैसे, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या है, ये सब हमने डिटेल देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।